कल पूरे देश में चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2081 को रामनवमी का पावन त्योहार मनाया जाएगा, जिसके उपलक्ष्य में नागपुर का प्रसिद्ध राम मंदिर पोद्दारेश्वर राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर विद्युत रोशनाई कराई गई है। रामनवमी का त्योहार पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। धार्मिक पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि को भगवान राम ने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया था। इस साल रामनवमी का पर्व कुछ खास है। इस साल अयोध्या में भी रामलला की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके चलते पोद्दारेश्वर राम मंदिर भी पूरी तरह राममय हो गया है। रामनवमी के दिन उत्सव मनाने के लिए रामनगरी सज कर तैयार है। रामनवमी के दिन रामलला का अभिषेक भी होगा। रामनवमी के लिए केवल पोद्दारेश्वर मंदिर में ही रामलला की श्रृंगार नहीं किया जाएगा, बल्कि राम मंदिर का भी विशेष श्रृंगार किया गया है, जहाँ भक्त राम मंदिर की खास सजावट देख उत्साहित है। रामनवमी के लिए बीती रात पूरा राम मंदिर रोशनी से नहाया हुआ था। लाइटों से सजावट पूरी कर दी गई है, तो वही विभिन्न प्रकार की लाइटिंग और पुष्पहार की सजावट से राम मंदिर शोभायमान हो चुका है, जहां मंदिर की शोभा देखते ही बनती है। इन बीस न्यूज के लिए मनीष टेमरी की रिपोर्ट।